नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। अगर अनसुनी हो रही है आपकी आवाज, अगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग में आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हम बनेंगे आपके संघर्ष के साथी। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को अंजाम। आपकी आवाज देखें सिर्फ एसटीवी पर, सच से साथ। विश्व पोलियो दिवस के उपलक्ष पर पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए रोटरी क्लब कांगड़ा ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इसमें कोविड 19 नियमों का पालन करते हुए रैली को कांगड़ा के एसडीएम अभिषेक वर्मा ने हरी झंडी देकर के रवाना किया है। एसडीएम खुद भी इस रैली में साइकिल पर सवार होकर के पोलियो अभियान का हिस्सा बने। इस दौरान लगभग 50 लोगों ने इस रैली में भाग लिया है। रैली गुप्त गंगा मार्ग से होते हुए टांडा तथा कचहरी होते हुए वापस तहसील चौक पहुंची। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। रैली आरंभ होने से पूर्व एसडीएम अभिषेक वर्मा ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर उन्होंने रोटरी क्लब का आभार प्रकट करते हुए पोलियो को जड़ से मिटाने के प्रयासों की सराहना करते हुए आमजन को पोलियो से बचाव करने का आह्वान किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें थोड़ा ना साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक ना, तो मेरी नानी को भी पोलियो था, बट उस जमाने में थोड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, तो जनरली अंधविश्वास बहुत होता था। तो जनरली उनके पेरेंट्स क्या बोलते थे, या उनकी जब उनकी शादी हो गई तो सास क्या बोलती थी कि पुराने जन्मों का दुष्परिणाम, दुष्कर्म, या फिर बोलते थे कि ग्रहण के टाइम ठीक से पाँव नहीं रखा होगा माँ ने जब पेट में बच्चा होगा। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें फैली होती है, बट जब बड़े होके पता चला कि नहीं, असलियत में मेरी नानी को पोलियो था। बट और बड़ी मुश्किल आती है जीवन उसके साथ चलाने में ना, तो मैंने तो खुद अपने जीवन में देखा है कि कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट छोड़ती हैं चीज़ें। वैसे जो अंधविश्वास, ये दो कंट्रीज़ का नाम लिया, वहाँ भी काफ़ी अंधविश्वास होता है कि वैक्सीनेशन से पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, या ये पता नहीं हमारी बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस कर देगा कि हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या फिर हम अच्छे से अपना जीवन आचरण नहीं कर पाएंगे। तो ये सब अंधविश्वास हमें मिटाना होगा बच्चों के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, मेडिकल साइंस के माध्यम से, कि ऐसे अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में ना फैले और हम साइंटिफिक टेंपर को अपनाते हुए, जिसमें इतना रिसर्च हो गया जिन चीज़ों में, उनको अपनाते हुए, वैक्सीनेशन प्रॉपर दिलाते हुए इन चीज़ों से बचे रहें और अपने देश को तो रखें पोलियो मुक्त, बट पूरे वर्ल्ड को भी पोलियो मुक्त का जो एक नारा है, रोटरी का नारा है, उसको हम आगे बढ़ा सकें और उस पर अमल पा सकें। इसी के साथ मैं रोटरी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और सबका सपोर्ट, जो पब्लिक का सपोर्ट मिला है, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज सुबह उठ के आप आए और अपनी साइकिल्स लेके आए और इस इवेंट में भाग लेने। रोटरी क्लब के डॉक्टर संदीप महाजन ने बताया कि भारत देश में पोलियो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के लगभग 90 मरीज हैं। जिस प्रकार एक कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, उसी प्रकार पोलियो वायरस भी अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए पोलियो वैक्सीन का चक्कर टूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले, उसके बाद WHO ने 1988 में इसको वर्ल्ड पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में लिया, और डॉक्टर वी के महाजन, मैं और वसीन साहब, हम 1985 से इसके रोटरी के सदस्य हैं। 35 वर्ष हो गए हैं हमें देखते हुए। हमारी भारत सरकार है, उसने ये कार्यक्रम 1995 में लिया, नेशनल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। और आप हमारी दृढ़ता देखिए, हमारे भारतवासियों की, हमारी सरकारों की, हमारे अभिनेताओं की, धार्मिक गुरुओं की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की। हम हमेशा भारत के बारे में एक दूसरे को बोलते हैं कि कुछ नहीं हम करते, लेकिन एक पोलियो एग्जांपल है कि जब हमने ये प्रोग्राम लिया रोटरी ने सरकारों के साथ मिल के, 2009 में 60% दुनिया भर के जो पोलियो ग्रस्त बच्चे थे वो हिंदुस्तान में थे,
2009 में हमने प्रोग्राम वैक्सीनेशन का पहले शुरू कर लिया था, और 2011 ढाई साल के अंदर आखिरी बच्चा जो पोलियो का रिकॉर्ड हुआ है वो 13 जनवरी 2011 में वेस्ट बंगाल में हुआ। 2011 के बाद आज तक कोई भी बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं हुआ। ये योगदान है हमारा सबका, रोटरी का, सरकारों का, एडमिनिस्ट्रेशन। 2014 में भारतीय सरकार ने इसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया हमारे देश में। अब आपका प्रश्न उठता है जब हम पोलियो मुक्त हो गए तो ये प्रोग्राम क्यों? क्योंकि हमारे दो मूर्ख पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी एक भारत का हिस्सा था लेकिन आज उसका हाल देखिए, उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लीजिए, वो हमारे सीमाओं पे तो हमें डराता रहता है लेकिन एक पोलियो वायरस के अगेंस्ट अभी तक वो जीत नहीं सका। अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर 90 के करीब पोलियो ग्रस्त पेशेंट हैं, और जब तक इस प्लेनेट से, इस पृथ्वी से एक भी पेशेंट रहता है तो हम सबको दोबारा ये बीमारी फैल सकती है। जैसे कोरोना में आपने देखा, एक वुहान से एक पेशेंट से एक वायरस सारी दुनिया को ग्रस्त कर गया। तो पोलियो से जो लड़ाई है, हमारी जो रेस है, जब हम भागते हैं, भागते भागते आगे निकलते हैं लेकिन जब फिनिशिंग लाइन को जब तक क्रॉस नहीं कर पाते तब तक हमारी जीत नहीं होती। यदि हमने अभी थोड़ा रिलैक्स किया तो ये वायरस दोबारा पनप सकता है, इन दोषों से बाकी दुनिया में फैल सकता है। इस करके हमने ये स्लोगन दिया है, एंड पोलियो नाउ। और इसमें आपने 3 कैप्शन देखे हैं, डोनेट, जो समृद्ध लोग हैं, जो सरकारें स्वयं से ही जो संगठन है उनको अपना टाइम देना है डोनेट। एक और बेड़ा आया था इस बार पर्यावरण संरक्षण मुहिम, नो डाउट पूरे विश्व में रोटरी पोलियो के लिए तो काम कर ही रहे हैं, बहुत सारी मानवता सेवाओं के लिए काम कर रहा है लेकिन पर्यावरण को लेकर भी बहुत बड़े लेवल पर काम किया जाता है। उसी चरण में इस आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि SDM श्री अभिषेक वर्मा जी से कि एक पौधा लगा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। चल बेटा आगे पर चले जा बेटा, उधर खड़ा जा पेड़ के पीछे तक ऊना पुलिस ने जिला मुख्यालय में रेड कर जाली एम फार्म बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पुराना होशियारपुर रोड पर एक ठेकेदार के कार्यालय में दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति द्वारा नकली एम फार्म बनाए जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उस सूचना के आधार पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में एक 25 वर्षीय पंजाब निवासी युवक को गिरफ्तार किया गया है। ऑफिस के कंप्यूटर व अन्य दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। स्थानीय ठेकेदार के कार्यालय में युवक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। इस मामले में कई और लोग भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार को ऐसे एम फार्म जारी कर लाखों रुपए का चूना लगाया जा चुका है। यह फार्म क्रैशर व डंप से रेत बजरी ढुलाई का टैक्स अदायगी का पास होता है। कल देर रात हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके चलते जो हमारी रात को नाइट पेट्रोलिंग के दौरान जो टीम थी उसने सदर थाना सदर के इलाके में जो है एक रेड की, और वहाँ पे एक व्यक्ति 25 वर्षीय व्यक्ति है जो फजिलका का रहने वाला है, पंजाब का, और कुछ दिनों से यहीं पे रह रहा है। उसको हमने नकली एम फॉर्म बनाते हुए पकड़ा है, और वहाँ पे हमको कुछ प्रिंटेड एम फॉर्म भी मिले जो नकली थे, और उसके अलावा हमने कंप्यूटर उसका सीज़ किया है जिसमें वो ये एम फॉर्म बना रहा था, साथ में प्रिंटर भी सीज़ किया है, मोबाइल फ़ोन भी सीज़ किया है, और हमने थाना सदर में FIR रजिस्टर की है 420 IPC के अंतर्गत, और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी। आपकी आवाज़ में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हैं SCB के साथ, नमस्कार। अगर अनसुनी हो रही है आपकी आवाज़,
अगर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग में आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो हम बनेंगे आपके संघर्ष के साथी। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को अंजाम। आपकी आवाज देखें सिर्फ एसटीवी पर। सच से साथ।